हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और लगातार मेरी वीडियो के साथ बने होंगे। मैं मधु स्वागत करती हूं यूट्यूब चैनल ईशा फैमिली ब्लॉग्स में। ये मॉर्निंग का चाय मैं बना रही हूं और मैं ज़्यादातर चाय इंडक्शन पर बनाती हूं क्योंकि गैस पर मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह बनाने लगती हूं और इंडक्शन पर स्लो आंच करके छोड़ देती हूं ना तो अच्छे से पक जाता है चाय, और चाय जब पकता है ना तभी स्वाद आता है। और एक तरफ गैस पर आलू और पत्ता गोभी की सूखी भुजिया बना रही हूँ और एक तरफ मैं जीरा भी भून लूँगी क्योंकि मेरे पास अभी जीरा पाउडर ख़त्म हो गया है। तो ये 300 ग्राम जीरा है तो मैं 250 ग्राम ही जीरा को मैं भूनूँगी और 50 ग्राम जीरा मैं फ़ोरन लगाने के लिए रख दूँगी। तो ये 100-100 ग्राम का पैकेट आता है। ज़्यादातर हस्बैंड आधा के जी के एक ही बार पॉकेट ले लेते हैं, बाकी इस बार आधा के जी वाला पॉकेट नहीं मिला था तो ये 100-100 ग्राम के पॉकेट वो लिए थे तीन। और ये देखिए 250 ग्राम जीरा डाल दी हूँ कढ़ाई में भुनने के लिए और 50 ग्राम के लगभग जीरा इस्टावा में रख दी हूँ दाल में तड़का वगैरह लगाने के लिए या फ़ोरन लगाने के लिए। और जीरा को एकदम बिल्कुल स्लो आँच में आराम आराम से चला चला कर मैं भूनूँगी और चलाते हुए भूनूँगी और साथ के साथ सब्जी भी बना लूँगी और पराठा सेक लूँगी। तो सिया के आँच में टिफिन में आलू पत्ता गोभी की सूखी सब्जी और पराठा और एक केला दूंगी और जीरा को भी अच्छे से भून लूँगी और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो जीरा को मैं पाउडर बनाऊँगी। और अभी मैं सिया को स्कूल भेज दी थी, उसके बाद मैं भी नहा ली थी, अंश भी नहा लिया है और अंश को मैं नहला धुला कर कपड़ा पहना दी हूँ और उसको अभी मतलब तेल लगाना था बाल में और उसको रेडी करना था। तब तक दूध वाले आ गए थे भैया तो वो पैसा मांगने लगे तो फिर मैं यहाँ पर पैसा निकाल रही थी दूध वाले भैया को देने के लिए। और आप देख सकते हैं सिया स्कूल जा रही थी ना तो सारे बुक फैला के रखी है, तो इस बुक को भी साथ के साथ ठीक कर दूंगी वरना अंश आएगा ना तो हाथ उसका लगेगा तो सारा मतलब न्यू बुक आया है तो फाड़ देगा। और अभी मैं दूध वाले भैया का पैसा दे दी थी, उसके बाद मेरे अंश यहाँ पर नहा कर बैठ कर टी वी देख रहा था बैनानी की, तो मैं इसको सर में तेल लगा दूँगी और हाथ में मेरा थोड़ा बहुत तेल लगा हुआ था इसके हाथ पैर तेल घस दूँगी, उसके बाद इसके कंघी कर दूँगी, कंघी करके इसको रेडी कर दूँगी। अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मेरे घर में सभी लोग नाश्ता कर लिए हैं, बस मैं नाश्ता नहीं की हूँ। अभी 11:30 या मतलब ऐसी टाइम हो रहा होगा तो सभी नाश्ता भी कर लिए हैं और सिया को स्कूल से आने का समय भी हो गया है तो बस मुझे सारे खाना बन गया है, बस जीरा राइस बनाना है। तो मैं सोच रही थी कि एक लच्छा पराठा सेक कर मैं भी नाश्ता कर लूँगी और जीरा राइस बनाऊँगी ना तब मैं खाना खाऊँगी। और हस्बैंड को भी आज बुलाई हूँ कि आप घर पर आ जाइएगा लंच में खाना खाने, तो वो बोले कि ठीक है मैं लंच में आ जाऊँगा खाना खाने। और सिया को मैं मॉर्निंग में आलू और पत्ता गोभी की सूखी सब्ज़ी बना कर दी थी तो वो स्कूल ले कर चली गई है। और कल ही मैं दही बारा बनाई थी, उसमें के बच गया है दही बारा। और मैं कल ही पनीर के सब्ज़ी बनाने वाली थी, छोला बनाने वाली थी, बाकी अंश गिर गया तो ना तो पनीर के सब्ज़ी छोला कुछ भी नहीं बनाई थी, उसी तरह मैं फ्रिज में रख दी थी क्योंकि अंश जब गिर गया था ना बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो परेशान कर रहा था, तो फिर हम लोग नहीं कुछ बनाए थे, बस खिचड़ी बना था हम सब खाए थे कल। तो मैं बोली कि हस्बैंड आए थे, हम कितना मेहनत से मतलब सब चीज़ इंतजाम करके रखे थे कि आज पार्टी करेंगे और अंश गिर गया था कुछ नहीं कर पाए, तो आज मैं पनीर की सब्ज़ी बनाई, फिर छोले बनाई, गुलाब जामुन बनाई हूँ और लच्छा पराठा सेक दी थी। तो हस्बैंड लच्छा पराठा और सब्जी पनीर का और छोले गुलाब जामुन दही बारा नाश्ते में करके गए हैं और यही बस लंच में सेम यही रहेगा, बस खाली जीरा राइस मुझे बनाना है। तो पहले सिया को स्कूल लेने जाऊँगी, स्कूल से सिया को लेकर आ जाऊँगी ना तो फिर मैं जीरा राइस बनाऊँगी। तो ये देख सकते हैं ये लच्छा पराठा है ना जो रेडीमेड पॉकेट में आता है, 100 रुपये में 10 पीस मिलता है। तो जैसे हमारे घर में एक एक लच्छा पराठा सेक देते हैं ना तो सभी का नाश्ता हो जाता है, अंश तो एक भी नहीं खा पाता है, इसमें से हाफ लच्छा पराठा खाता है। तो आप देख सकते हैं लच्छा पराठा मेरा सीख गया है। तो अभी मैं अपने लिए प्लेट में निकाल लेती हूँ और मैं बैक कैमरे से अपना पूरा खाना आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखिए दही बारा है, छोला है, पनीर की सब्जी है, गुलाब जामुन है, लच्छा पराठा है और आप सब भी खा लीजिए। और आज कुछ स्पेशल है, आज दो गुड न्यूज़ है क्योंकि कल हस्बैंड भी आए थे घर 4-5 दिन पे, तो मैं सोची थी बनाऊंगी, बाकी अंश शाम को गिर गया ना तो नहीं बनाई थी। दोस्तों आज मुझे दो गुड न्यूज़ मिला है तो आप समझ सकते हैं, बोलते हैं ना कि दुख के बाद सुख आता है। कल मेरा बेटा गिर गया था ना तो हम सब बहुत दुखी थे, मतलब हम लोग
पार्टी करने के प्लान में थे कि कल हस्बैंड घर पर थे तो थोड़ा पार्टी करेंगे, क्योंकि 4-5 दिन पर घर आए थे तो अंश गिर गया था ना, तो कुछ ऐसा नहीं हो पाया था, बस खिचड़ी बनाए थे और हम सब खिचड़ी ही खा लिए। और अंश बहुत ज़्यादा रो रहा था, और मॉर्निंग में पता चला जैसे हस्बैंड को ये था ना कि 1 मंथ तक मतलब उनको वहीं पर आना पड़ेगा, 2 या 3 दिन पर आएंगे जाएंगे, बाकी उनका काम भी मतलब वहाँ चल रहा था, वो भी ठीक हो गया है, बस वो 12-12 घंटा का भी ड्यूटी लगा है, मतलब वो रोज़ घर आ जाएंगे अभी। और 12 घंटा 9 बजे सुबह में जाएंगे, 9 बजे रात में आ जाएंगे वो। और एक और गुड न्यूज़ है, वो तो मेरे लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है दोस्तों, मैं 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर ली हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आप सबको मेरे आवाज़ सुनकर जाहिर हो जा रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। और इसी खुशी में आज मैं गुलाब जामुन बनाई हूँ। छोले और पनीर के तो कल ही से प्लान था कि हम छोला और पनीर बनाएंगे, बाकी कल नहीं बनना था। और दही बारा मैं कल ही बना ली थी, और गुलाब जामुन आज मैं बनाई थी। सोची ना कि आज मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है तो पूरे फैमिली को मीठा खिलाना तो बनता है। दोस्तों आप लोग के बिना साथ और सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं थी, और मैं मतलब कभी मतलब नहीं सोचती थी कि मुझे इतने लोग पसंद करेंगे, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। मुझे आप लोगों का साथ और सपोर्ट पाकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है। और ये 1000 सब्सक्राइबर का क्रेडिट मैं आप सबके देती हूँ और भगवान को देती हूँ। आप सबके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं थी, और भगवान भी मुझे बहुत कृपा किए कि मैं 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर ली हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे बहुत जल्दी 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देंगे। हेलो दोस्तों, अभी मैं सिया को स्कूल गई थी, स्कूल जाकर सिया को लेकर आ गई हूँ, और सिया कपड़ा चेंज कर लिया, और मैं अभी जीरा राइस चढ़ाई हूँ, तो जीरा राइस बन रहा है, बन जाएगा तो सब दोनों बच्चे को भी खाना दे दूंगी, और हस्बैंड भी आज लंच में आएंगे। और आप सब जानते हैं मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों हूँ, तो आप लोग के वजह से हूँ, क्योंकि आप लोग इतना साथ और सपोर्ट किए और भगवान भी थोड़ा मुझे कृपया दिखाए तभी मैं इतना खुश हूँ, क्योंकि मेरे लिए 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात थी। और मेरा कोई ऐसा वीडियो नहीं वायरल हुआ है, मतलब 400, 300, 500, 1000, 2000 ऐसे ही जाता था, बाकी 40-50 भी जाता था, बाकी आप लोग के साथ और सपोर्ट की वजह से मैं आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर ली हूँ अपने मेहनत से और आप लोग के सपोर्ट से। और आप लोग साथ और सपोर्ट नहीं देते तो मैं कभी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं कर पाती। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जब यूट्यूब पर आई थी ना, मैं सोच रही थी कि जो यूट्यूब पर आते हैं इतने अच्छे अच्छे कपड़ा पहनते हैं, इतने महंगे कपड़ा पहनते हैं, इतने अच्छे अच्छे उनके घर में पकवान बनता है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारा वीडियो कौन देखेगा, मुझे कौन पसंद करेगा। फिर एक मन में लालसा था, एक आशा था कि मेरे जैसा भी तो फैमिली कोई इस पर होगा जो मेरे जैसा वीडियो देखना पसंद करेगा और मुझे देखना पसंद करेगा, तो इसीलिए मैं यूट्यूब पर आई। और यूट्यूब पर आने के बाद मैं 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर ली हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग से कि बहुत जल्दी मेरा 10K सब्सक्राइबर आप सब कंप्लीट करवा देंगे। और आप लोग के साथ सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर पाऊँगी, आप लोग अपना साथ सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरे साथ, आप लोग के साथ सपोर्ट रहेगा तो मैं बहुत जल्दी आगे जाऊँगी। और आप लोग को मैं दिल से थैंक यू बोल रही हूँ, दिल से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू कि आज मेरा 1000 सब्सक्राइबर आप सब कंप्लीट करा दिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक छोटे से गांव के रहने वाली हूँ, मुझे मतलब कैमरा के सामने बोलने में भी पहले अजीब से लगता था, अब तो बोल भी लेती हूँ, तो चलिए आप समझ सकते हैं मेरी खुशी की दौर कितना मतलब मैं खुश हूँ। चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से वीडियो के साथ। आप लोग अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखिए, देख रहे हैं कितना गर्मी हो रहा है, मैं धूप से आई हूँ ना सिया के लेकर, इसीलिए गर्मी हो रहा है। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।